अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। मैं ये जो वीडियो है स्पेशली एक्चुअली सबके लिए बना रही हूँ, मेरे हर भाई बहन के लिए, ये बताने के लिए कि आप जब भी अल्लाह के पास जाओ नमाज में और इन जनरल थ्रू आउट द डे दुआ में, और अगर आपने जो अल्लाह पाक से मांगा है और वो आपका उस वक्त पूरा नहीं हो रहा है, तो प्लीज़ अल्लाह से डिसअपॉइंट मत होना, या ये मत सोचना कि अल्लाह मुझे प्यार ही नहीं करते, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है जो इतनी कॉमन है, जो मैं भी काफ़ी सुनती हूँ काफ़ी लोगों से, और लोग कहते कि मैं कब से इस चीज़ की दुआ मांग रही हूँ, ये पूरी ही नहीं हो रही, शायद अल्लाह मेरी दुआ ही नहीं सुनते, शायद मैं इतनी गुनहगार हूँ। ऐसा कुछ नहीं है, आप अल्लाह से ना उम्मीद मत होना, क्योंकि ये जो वसवसा आता है ना, ये शैतान डालता है, शैतान आपके दिल में डालता है कि आप ये सोचे कि अल्लाह आपको पसंद नहीं करते, ताकि आप और डिसअपॉइंट होते जाओ, और आपका जो यकीन है अल्लाह पाक से और हर चीज़ से वो उठ जाए। तो हमें कोशिश करना है कि हमें शैतान की इस बात में बिल्कुल नहीं आना है, क्योंकि हमें एक चीज़ याद रखनी कि अल्लाह हमारे बहुत करीब है, अल्लाह हमारे माँ से भी ज़्यादा करीब है। हम कहते हैं ना 70 माँ की ममता रखते हैं अल्लाह पाक, तो वो हमारी माँ से भी ज़्यादा करीब है, और वो हमारे अपनी माओं से भी ज़्यादा मोहब्बत करते हैं। बस आप ये कोशिश करें कि जो आप अपना जो रिश्ता है ना अल्लाह के साथ, उसे मज़बूत करें, क्योंकि जितना मज़बूत होगा उतना आपका तवक्कुल बढ़ेगा, और इंशाल्लाह उससे आपको सब्र मिलेगा, उससे आपको समझ मिलेगी, आप ये चीज़ इजीली अंडरस्टैंड कर पाओगे कि कोई ना कोई खैर छुपी है उस चीज़ में, और इंशाल्लाह आप उसका रिजल्ट ज़रूर देखोगे, या तो दुनिया में या तो आखिरत में। लेकिन प्लीज़ डिसअपॉइंट नहीं होना, बस मैं सबको ये कहना चाहती हूँ, बिकॉज मैं बहुत सारे DMs पढ़ती हूँ जहाँ पे कुछ जो भाई जितने सारे भाई और बहन हैं वो बहुत सारे चीज़ों को लेके परेशान हैं, और ये लिखते हैं कि हम काफ़ी साल से दुआएं मांग रहे हैं। तो मैं बस ये सबको ये वीडियो बना के कहना चाहती हूँ कि प्लीज़ डिसअपॉइंट मत हो, अल्लाह ने सबके लिए खैर रखी है, बस हम सही रास्ते पे चले और अल्लाह के हुक्मों को फॉलो करें और सुन्नतों को फॉलो करें, और ना उम्मीद ना हो। ठीक है, अल्लाह हाफिज़।